अयोध्या रघुवंश की नगरी, वचन पालन सत्य न्याय, वह त्याग जहां पर हर कदम मिलता है, राम जिसने बिना एक प्रश्न किए पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष वनवास सहा, सीता राजा जनक की पुत्री, फूलों पर चलने वाली वन वन भटकी, कष्ट सहने के बावजूद किसी के मुख पर एक शिकन तक नहीं आई। इस कथा को जानने के लिए आपको कुछ वर्ष पूर्व जाना होगा। अयोध्या में दीदी आप चिंता मत कीजिए। महारानी कौशल्या। जी महाराज। महारानी कौशल्या बोलिए महाराज। ये लो खीर, यही एक आखिरी उम्मीद है संतान प्राप्त करने के लिए। जी महाराज। यह मैं अकेले तो ग्रहण नहीं कर सकता, यह मैं दूसरे बर्तन में निकाल के कैकई को दे देती हूँ। धन्यवाद दीदी। हम लोग इसे अकेले तो नहीं खा सकते। हाँ सुमित्रा तो रह जाएगी। मुझे बैठ जाओ। ये सुमित्रा। सुमित्रा धन्यवाद। अब मैं खीर खाती हूँ। अयोध्या में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रणाम महर्षि विश्वामित्र। प्रणाम गुरुवर। हम आश्रम में यज्ञ करते हैं किंतु दानव हमें यज्ञ नहीं करने देते। हमें अपने यज्ञ की रक्षा कराने के लिए आपके 2 पुत्र मांगने आए। हमारे तो पुत्र अभी बालक हैं किंतु महाराज उनकी तरह वीर कोई नहीं। जो आज्ञा गुरुदेव।